सो ये है फर्स्ट लुक हमारी नमो भारत की। काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है। बाकी स्टेशन पे आपको पीने का पानी भी एकदम फ्री मिलने वाला है भाई, कोई चार्जेस नहीं है इसका। ये आ गया इसका पूरा मैप, ये शायद इस स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये यात्रियों के लिए या ऐसे सबके लिए है ना ये। मैम वेंडिंग मशीन कहाँ है? आगे है, देखिए ये आ गया भाई आइटम। तो ये बढ़िया है भाई, नया टेक्नोलॉजी भी मैंने पहली बार यूज़ की। और देखिए भाई अपनी नव आ रहा है। जोड़ा आते हो, कपल आते हो, तो यहाँ पे आप अपनी गर्लफ्रेंड को बिठा सकते हो, यहाँ पे आप अपने बॉयफ्रेंड प्रोसीजर पे। तो यहाँ पे ये QR कोड है ना, इसको ऐसे स्कैन करना है आपको। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई यात्रा में। दोस्तों टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम सफर करने वाले हैं अपने देश की पहली नमो भारत ट्रेन में। जी हाँ दोस्तों, जो अपनी नमो भारत है ना, वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है। और जो इसका पहले नाम था वो रैपिड एक्स था, लेकिन अभी नमो भारत है। वो क्यों है वो सब आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए यात्रा को शुरू करते हैं हम साहिबाबाद से। यहाँ से हमारी नमो भारत ट्रेन चलेगी, लेकिन सबसे पहले भाई चाय वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि भाई मैं सुबह सुबह आँख खोली और डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। इसका टाइम टेबल हर एक चीज़ बताएंगे, टिकट प्राइस, कौन कौन सी इसमें क्लास है, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले टपरी पे चलते हैं, चाय पी लेते हैं, क्योंकि भाई बिना चाय पिए एनर्जी नहीं आएगी, क्या करें भाई। भाई सुबह सुबह डिसअपॉइंटेड हो गए टपरी पे, यहाँ कोई टपरी नहीं है। तो मेरी भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस रैपिड रेल में यात्रा करते हैं, सॉरी जो भी इस नमो भारत में यात्रा करते हैं, वो घर से ही चाय वाय पी के आएँ। तो चलो अभी चलते हैं। वैसे इसके अंदर वेंडिंग मशीन वगैरह लगी हुई हैं, वो आपको अंदर जाके दिखाते हैं, वहीं पे खाते हैं अभी कुछ। और भाई देखिए हमारा देश सच में बदल रहा है भाई, यकीन नहीं होता कि हम इंडिया में हैं भाई। देखिए ये है रैपिड रेल का कॉरिडोर पहला, यहाँ से हमारी ट्रेन चलेगी। और रोड की साफ़ सफाई देखिए भाई, यकीन ही नहीं हो रहा कि हम भाई इंडिया में है सीरियसली। देख बाकी अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको भाई पार्किंग सुविधा भी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे आप पार्क कर सकते हो, कितना प्यारा बना हुआ है। और इस साइड आपको मिल जाएगा रैपिड रेल का कॉरिडोर। देखिए देखिए भाई FOB फुट ओवर ब्रिज क्या गजब का बनाया है। अगर आप उस साइड हो ना तो आप यहाँ से चल के आ सकते हो। बट देखिए तिरंगों की लाइटों के साथ क्या डेकोरेटेड है भाई हमारा फुट ओवर ब्रिज। और भाई यहाँ पे देखिए डबल इंजन सरकार, भारत के प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम व मेरठ मेट्रो का सपना हुआ साकार। भैया पार्किंग चार्जेज कितने हैं? टू व्हीलर के कितने हैं? सिक्स ओवर के 10 रुपीज़। और फोर व्हीलर के? फोर व्हीलर 25 है सर। और 24 आवर के? 24 आवर के तो फिर सर कंडीशन पे डिपेंड है, ये वाला फिर पास लागू हो जाएगा आपका। अच्छा, 24x7 कर रहे हैं तो मंथली हो जाएगा का 1000 और 3000 कार। सो जो यहाँ पे पार्किंग चार्जेस लगे वो भैया को पूछ के मैंने बता दिए हैं। और ये रहा इसका गेट नंबर 1, यहाँ से हम करने वाले हैं एंटर। जो अपना सेक्शन है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, जो अपना साहिबाबाद से मेरठ तक ये मेट्रो चलेगी, जिसकी लेंथ रहेगी 82.15 किलोमीटर। और इन फ्यूचर उसके आगे भी ये जो ट्रेन है ये अपनी पानीपत तक भी जाएगी, वो सब आपको बताएंगे भाई। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको सीढ़ियाँ भी मिलती हैं और एस्केलेटर भी मिलते हैं, हम जाएंगे एक्सेलेटर से। देखिए चलिए चलते हैं अभी अंदर एंड पूरा अनुभव करके बताएंगे इस रैपिड नमो भारत। और सामने की तरफ देखिए कैमरा की निगरानी में रहेंगे आप 24 घंटे भाई, कैमरे की निगरानी में रहेंगे। और सामने हर तरफ मोदी जी की तस्वीरें लगी हुई हैं, चाहे आप बाहर देखो, ऊपर देखो, कहीं भी देखो, साइड में देखो, मोदी जी मोदी जी मोदी जी हर तरफ मोदी जी। यहाँ पे देखिए गमले सजाए गए हैं, कितने अच्छे गमले सजाए गए हैं। और लिफ्ट का यूज़ भी कर सकते हो अगर आप विकलांग हो तो। ये देखिए यहाँ पे भी पूरी डेकोरेशन के साथ हमारी नमो भारत की कुछ इस तरह से है भाई एंट्रेंस। सामने मेट्रो की तरह वॉच लगाई गई है। और ये देखिए भाई हमारे देश, हमारा गर्व, देखिए तिरंगे के टाइप की लाइटों के साथ भाई कितना प्यारा लग रहा है भाई सच में यार। ये देखो नमो भारत, मैंने आपको बोला था ना इस ट्रेन का नाम चेंज कर दिया, नमो भारत ट्रेन रख दिया। वो दोस्तों इसलिए इसका नाम नमो भारत पड़ा क्योंकि 20 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने इस ट्रेन का नाम रैपिड एक्सचेंज चेंज करके नमो भारत रख दिया। बाकी चलिए अभी टिकट वगैरह लेते हैं। यहाँ पे वेंडिंग मशीनें भी लगी हुई हैं, यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। और अगर आपको नहीं यूज़ करना आती है वेंडिंग मशीन तो आप ऐसे भी ले सकते हो वहाँ काउंटर से, लेकिन हम करेंगे वेंडिंग मशीन का यूज़ और यहाँ से लेंगे टिकट। ठीक है चलो भाई कंटिन्यू करते हैं। हमारी कंप्लीट हो चुकी है, देखिए 100 रुपया
और यहाँ से अभी प्लीज वेट nice अबे आ जा। चलो ये ले ली भाई हमने टिकट जो कि प्रीमियम क्लास की ली है। मैं प्रीमियम क्लास की इसलिए ली है क्योंकि हमें मिलेगा फ्री में लाउंज एक्सेस इस स्टेशन पे। तो देखते हैं लाउंज एक्सेस में क्या फैसिलिटीज़ मिलती है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे बैग वगैरह स्कैन करवा लेते हैं भाई। तो भाई टाइट सिक्योरिटी चेकिंग के बाद हम आ चुके हैं स्कैनिंग प्रोसीजर पे। तो यहाँ पे ये QR कोड है ना, इसको ऐसे स्कैन करना है आपको और ये खुल जाएगा सेम मेट्रो की तरह। और देखिए भाई आगे किस तरह से आपको प्यारा सा व्यू देखने को मिलता है। सामने देखिए कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई गई है और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा डेकोरेटेड है हमारा रैपिड रेल का भाई स्टेशन। देखिए हर तरफ आपको साफ़ सफाई का पूरा प्रॉपर ध्यान रखा गया है। बाकी ये भैया लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद स्टेशन को साफ़ नीट एंड क्लीन रखने के लिए। और थोड़ा सा आपको इसका मैप दिखा देते हैं जो कि गति शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये गति शक्ति देखिए ये आ गया इसका पूरा मैप। ये शायद इस स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है देखिए, जो कि इन फ्यूचर में सरायकालेखां RRTS सरायकालेखां से भाई ये देखिए इंडियन रेलवे आ गई ठीक है। एंड ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई देखिए। बाकी स्टेशन पे आपको पीने का पानी भी एकदम फ्री मिलने वाला है भाई, कोई चार्जेज नहीं है इसका। देखिए साथ ही साथ वॉशरूम की सुविधा भी आपको शायद फ्री है भाई। चलिए अंदर पूछ लेते हैं फ्री है या चार्जेबल है। भाई फ्री है या चार्जेबल है ये? फ्री है या चार्जेबल है? चार्जेबल है। कितने रुपए? अंदर जाना है? ये यात्रियों के लिए या ऐसे सबके लिए है ना ये? बाकी ये जो सुविधा है भाई ये बिल्कुल निशुल्क है भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई, आपको फ्री में सेवा मिलती है। और यहाँ पे भी देखिए भाई अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ टूवर्ड्स टू मोदीपुरा। देखिए वाह क्या फील आ रहा है भाई देखो। सो ये है फर्स्ट लुक हमारी नमो भारत की। काफ़ी ज़्यादा मंदी पड़ी हुई है, कोई भी यात्री नहीं है इसमें, हम अकेले यात्री हैं इसमें। तो हम नहीं है भाई अभी जाने वाले हैं। बाकी ये देखिए भारत के प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम साहिबाबाद से दुहाई डिपो 17 किलोमीटर खंड का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 अक्टूबर 2023 करकर कमलो शुक्रवार के दिन हुआ था भाई। तो बहुत ही खुशी की बात है भाई, हमारे देश में भी अब ऐसी सुविधा आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अभी हम प्रीमियम लाउंज में चलते हैं, जो टिकट लिया उसका थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए क्योंकि पैसे बर्बाद नहीं करने हैं भाई। प्रीमियम टिकट हमने लाउंज एक्सेस के लिए ली थी कि हमें इस स्टेशन पर लाउंज एक्सेस मिलेगा। ये मेट्रो मोट्रो तो हम बाद में कवर कर लेंगे इसको, मतलब अभी कर लेंगे, थोड़ा मज़े ले लेते हैं, पहले कुछ खा पी लेते हैं। बाकी मैम वेंडिंग मशीन कहाँ है? आगे है तो आगे लगी हुई है वेंडिंग मशीन, मैम ने बता दिया हमें। तो हमारी टिकट देखिए, चलो भाई ये सिर्फ प्रीमियम यात्रियों के लिए ही है भाई। अगर आप नॉर्मल टिकट लेते हो ना तो आपको प्रीमियम लाउंज की सुविधा नहीं मिलेगी भाई। देखिए एकदम बहुत ही प्यारी प्यारी जगह पे आ गए, देखो भाई घूमो नाचो गाओ यहाँ कुछ भी करो। बाकी ये देखिए यहाँ पे आपको मैगजीन्स हो गई, बुक्स हो गई, कुछ भी पढ़ सकते हो आप आराम से, यहाँ से बैठ सकते हो। अगर आप जोड़ा आते हो, कपल आते हो, तो यहाँ पे आप अपनी गर्लफ्रेंड को बिठा सकते हो, यहाँ पे आप अपने बॉयफ्रेंड को बिठा सकते हो। और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह इसमें से वेंडिंग मशीन में से निकाल के खास पी सकते हो। और अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो यहाँ पे बैठ सकते हो और ट्रेन को व्यू देख सकते हो एकदम ठीक है। तो चलिए कुछ खाते हैं यहाँ से, यहाँ कुछ खास नहीं है, ये कैन वगैरह है, ये दूध वगैरह है, तो ये यूज़ करना भी नहीं आता हमें। तो अब देखते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ शायद नंबर है, जो भी नंबर आपको लेना है वो दबाना है यहाँ से ठीक है। तो हम पियेंगे भाई ये फ्रूटी टॉपिकाना ठीक है। तो टॉपिकाना का नंबर है 48 ये कर दिया एंटर QR कोड। तो ये कर दी भाई हमने पेमेंट, ये देखो स्लॉट और नीचे गिर गया भाई, ये देखिए ये आ गया भाई आइटम। तो ये बढ़िया है भाई नया टेक्नोलॉजी भाई, ये टेक्नोलॉजी तो एक नंबर है भाई देखो हमने कोई भी बंदे को पैसे नहीं दिए, ये पहली बार यूज़ की लाइफ में। मैं श्रीलंका भी गया, कहीं और भी गया, लेकिन ये सर्विस मैंने पहली बार यूज़ की। और देखिए भाई अपनी नव भारत
बिल्कुल खाली जाती हुई, बाय बाय, एकदम खाली भाई, एक भी पैसेंजर नहीं था इसमें यार। और पूरे स्टेशन में देखिए मैं अकेला बंदा हूँ भाई पूरे स्टेशन पे। यार पता क्यों नहीं चल रही, अभी बैठ के बताता हूँ आपको। यहाँ पे दोस्तों भीड़ इसलिए नहीं क्योंकि ये पूरा कॉरिडोर अभी तैयार नहीं हुआ है। जो इसका काम चालू हुआ था वो 8 मार्च 2019 को चालू हुआ था इसका काम, अब ये ख़त्म होने की इसकी डेडलाइन है जून 2025, तो वेट करना पड़ेगा 25 तक, 1.5 साल है अभी। ये लो भाई 5 मिनट के बाद आ गई हमारी रैपिड रेल यानी कि नमो भारत ट्रेन, जिसमें अभी हम जाने ही वाले हैं भाई देखिए। और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है, जो भारत के इंजीनियर्स हैं भाई उनको दाद देनी पड़ेगी भाई, मानना पड़ेगा उनको यार ऐसा प्यारा लुक देने के लिए हमारी ट्रेन को। देखिए कुछ आगे से इस तरह से हमारी रैपिड एक्स का व्यू देखिए। और सबसे पहले ये बाहर वाले दरवाजे खुलेंगे, उसके बाद भाई अंदर वाले दरवाजे खुलेंगे। और भाई रिफ्लेक्शन देखो भाई क्या प्यारा लग रहा है भाई मिरर में देखिए, यहाँ से आप सेल्फी भी ले सकते हो भाई, देख रहे हो ना आप। तो चलो दोस्तों अभी बैठने के लिए चलते हैं। और जो इसकी अभी की स्पीड है ना वो 150 तक है, बहुत सारे वीडियोस में देखी है मैंने। तो चलो चलते हैं अभी बैठते हैं इसमें और इसकी सही स्पीड का अनुभव करते हैं। बटन दबाना पड़ेगा तो भाई इसको खोलने के लिए इसका ये बटन दबाना पड़ेगा, बिना बटन के नहीं खुलेगा ये। सो सबसे पहले भाई हम आ गए हैं इस ट्रेन के प्रीमियम क्लास में, तो प्रीमियम क्लास का व्यू आपको कुछ ऐसा मिलता है। जो सीटिंग अरेंजमेंट मिलता है वो आपको 2x2 का मिलता है, ये देखिए कितना प्यारा शेड दिया गया भाई। ऊपर आपको हैंडल्स मिलते हैं पकड़ने के लिए, साइड में आपको एक CCTV कैमरा भी दिया गया। और साथ ही साथ इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है जो है इसकी चार्जिंग सॉकेट, देखिए USB भी है और नॉर्मल भी है, मतलब यहाँ से आप अपना लैपटॉप और फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। और ये जो चार्जिंग फैसिलिटी ये आपको नॉर्मल क्लास में नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम क्लास में मिलेगी। अच्छा इसमें टोटल 6 रैक्स हैं जिसमें से पहला प्रीमियम है, उसके बाद लेडीज़ है, एंड जो 4 रैक्स हैं वो नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए हैं। काफ़ी अच्छी है भाई, यहाँ बैग वगैरह आप आराम से रख सकते हो। और चलो बैठ के दिखाते हैं। अभी ये देखिए यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिलता है, मैगजीन सॉकेट मिलता है, साथ ही साथ आपको फुट रेस्ट मिलता है, देखिए ये इसका फुट रेस्ट। बाकी देखिए लो भाई दरवाजे हो गए बंद और अभी अपनी नमो भारत चलने के लिए रेडी है। बाकी जो हमारे स्टेशन रहेंगे ये यहाँ पे हम साहिबाबाद में, इसके बाद गाज़ियाबाद, इसके बाद गुल्दर, इसके बाद दुहाई, उसके बाद दुहाई डिपो यहाँ पे लगेगी। अभी यहाँ पे भी एक वेंडिंग मशीन लगेगी। और देखिए अपनी रैपिड रेल निकल चुकी है भाई साहिबाबाद से, अभी इसकी स्पीड भी टेस्ट करेंगे। देखिए कृपया ध्यान दें ट्रेन की गति की दिशा में, दूसरा डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है। और सच में भाई बहुत अच्छा लग रहा है, जो इसकी सीटिंग बहुत बढ़िया लग रहा है भाई देखिए। हाँ ये यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा जिससे आप सीट को एडजस्ट कर सकते हो, बस इतना ही कर सकते हो जितना मैंने अभी किया है। बाकी काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है सीट पे बैठने से। कृपया ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों आप प्रीमियम से ना उस साइड जा सकते हो ना उस साइड से प्रीमियम में आ सकते हो। अगर आपने एक बार टिकट लगा दी यहाँ पे पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ना ये प्रीमियम वाला, यहाँ पे टिकट लगा दी फिर आप उसके बाद यहाँ नहीं आ सकते, चाहे आप प्रीमियम टिकट हो आपकी, है ना। ये पहुँच गया हम गाज़ियाबाद, यहाँ बत्ती दबानी होगी और खुल जाएगा ये। और डिस्टेंस की बात करें तो 7-8 किलोमीटर दूर होगा ये साहिबाबाद से, एंड ऐसा कुछ है देखिए। और दो मिनट ही रुकी ट्रेन, ये देखिए तुरंत उन्होंने बोल दिया दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो अभी होंगे दरवाजे बंद। ये सेम मेट्रो की तरह ही है, जो इसका डोर्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, कुछ गिनी चुनी चीज़ें हैं जो इसमें डिफरेंट है भाई। बाकी ये देखिए रोलिंग ब्लाइंड कर्टन्स भी हैं जिनको आप धूप से बचने के लिए यूज़ कर सकते हो भाई। और देखिए भाई कुछ इस तरह से हमारा
अगला गुलदर है, तो गुलदर में हम उतर के दूसरे डिब्बे में चले जाएंगे। तो भाई वहाँ से निकल के हमने अपनी टिकट स्कैन करवाई और जल्दी से आ गए भाई इसके नॉर्मल क्लास में। और देखिए जैसे हम आए और इसके दरवाजे बंद होना स्टार्ट हो गए। बाकी यार एक चीज़ मैंने गलत बता दी, इसमें भी आपको चार्जिंग सॉकेट मिलेंगे लेकिन इसमें आपको लैपटॉप वाले नहीं मिलेंगे, सिर्फ फ़ोन वाले मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको फ़ोन होल्डर की सुविधा मिल जाएगी। बाकी ये इसका नॉर्मल क्लास, और नॉर्मल क्लास में भी सीटिंग अरेंजमेंट 2x2 की है। मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा इसमें, एक ही चीज़ का फ़र्क है कि उसमें आपको वेंडिंग मशीन मिलती है और कुछ नहीं है भाई इसमें फ़र्क। सो फाइनली दोस्तों पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन दोहाई डिपो में। एक दोहाई है, एक दोहाई डिपो है, और मुझे लगता है दोहाई डिपो में जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वही जाते होंगे। नॉर्मल यात्री तो वही पीछे दोहाई में उतर जाते होंगे, लेकिन मुझे तो भाई इसमें दिखा ही कोई नहीं यार, सीरियसली एक भी पैसेंजर नहीं दिखा। और इसमें एक और डिफरेंट चीज़ है वो आपको बताता हूँ, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। इसके जो दरवाजे हैं वो अंदर से अपने आप नहीं खुलेंगे, ना ही बाहर से अपने आप खुलेंगे, बंद अपने आप हो जाएंगे लेकिन खुलेंगे नहीं। खुलने के लिए आपको ये बटन दबाना होगा, जब यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा ना तब बटन दबाना होगा, बताता हूँ मैं। ये देखिए ये अभी ग्रीन होगा कुछ देर में, ये देखिए ये ग्रीन हुआ और खोल दिया और खुल गए भाई इसके दरवाजे, देखिए। तो यही था हमारा सफ़र, टोटल डिस्टेंस था 17 किलोमीटर, टाइम लिया इसने 14 मिनट, ठीक ठाक टाइम लिया। तो चलिए बाहर चलते हैं एंड ऐसा कुछ है अपना दोहाई डिपो का रेलवे स्टेशन देख। बाकी ऐसा कुछ व्यू है भाई दोहाई डिपो का बाहर से, कुछ इस तरह से स्टेशन का व्यू है। और यहाँ पे आपको NCRTC का हब मिल जाएगा, यहाँ पे ये रेल का कारोबार होता है भाई। देखिए दोहाई डिपो बाहर से करते हैं भाई जर्नी, इस जर्नी को यही पे एंड। आज की जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमें तो बहुत खुशी है हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, और हम कामना करते हैं देश ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। तो ये नमो भारत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपको एक नई खूबसूरत यात्रा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।